हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं सुजलॉन के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 12 जून 2023 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सुजलॉन में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन स्टॉक में हमें देखने मिला 4.87% का पॉजिटिव मूव, 14 पे क्लोजिंग देखने मिल रही। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसे पॉजिटिव मूवमेंट रहने वाले या फिर कोई नेगेटिव मूवमेंट आने वाले उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे को स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है जरूर जो हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए जाते हैं वनडे के चार्ट में, बात करते हैं आने वाले दिनों में क्या देखने मिलने वाला। तो यहाँ पे वनडे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा। मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज सा वॉल्यूम हमें देखने जरूर यहाँ पे जो है वो मिल रहा है। कैंडल की बात करें तो मीडियम टू स्मॉल साइज की कैंडल भी दोनों के साइड में छोटी छोटी विक में देखने मिल रहे। आरएसए हमारा 74-75 के आसपास आ चुका है, मतलब ओवरबॉट एरिया में जो करंटली हमारा आरएसए चल रहा है जो हमें यहाँ पे जरूर एक नेगेटिव मूवमेंट का इशारा देता है। लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी हमें जरूर कंसिडर करना चाहिए, सिर्फ आरएसए इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन जरूर एक नेगेटिव मूव का है। एक्सपेक्टेड स्टॉक में सबसे पहले डाउन साइड जो हमें 13.2 के आसपास देखने में उसको भी क्रॉस कर देगा तो स्टॉक में डाउन साइड जो 12.5 तक आते हुए देखने इजिली मिल सकती है। बाकी स्टॉक में यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा, वहीं पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स बनते हैं वो आपको बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको बाइंग करनी है तो स्टॉक कभी भी आपको जो है 11.7 के आसपास आते हैं देखने में जरूर जब वहाँ पे बाइंग करें। लेकिन अगर दो दिन से सस्टेन किया तो ही आप बाइंग करें, वहाँ से आपको 5-10% का इजिली अपसाइड मुझे 10-15 ट्रेडिंग डेज से आते हुए देखने मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करनी है करंट प्राइस में रेकमेंड नहीं करूंगा मैं, तो कहूँगा स्टॉक का आराम से गिर रहे थे। स्टॉक कभी भी आपको जो 10.15 के आसपास आते हुए देखने मिले जरूर जब वहाँ पे बाइंग करें, बहुत ही बढ़िया बाइंग करें। लेकिन क्योंकि लॉन्ग टर्म का लेवल तो 100% कैपिटल नहीं डालना है, 20-25% तक आप कैपिटल डालें, बाकी कैपिटल आप होल्ड करके रखें। जब भी एडिशनल डाउनफॉल आपको 10-20% का देखने मिले तब आप वहाँ पे एडिशनल बाइंग करें। याद रखना एडिशनल बाइंग आपको हेल्प करेगा अपना बाइंग एवरेज प्राइस को जो कम करने में, और जितना बाइंग एवरेज प्राइस आपका लॉन्ग टर्म के लिए कम होगा उतना ही बढ़िया प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म में देखने मिलेगा। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए वन आवर के चार्ट में बात करते हैं कल के दिन क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन आवर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, कुछ सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्क जरूर है, लेकिन डिफरेंट डेटा बना उसके बेसिस पे हमें जरूर मार्किंग करनी है। तो जो भी मैं मार्किंग्स कर रहा हूँ मैं चाहूंगा आप भी जो सेम टू सेम अपने चार्ट में मार्किंग्स कर ले, क्योंकि ये मार्किंग्स भी बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को खास करके मेंटेन करने में। तो जरूर जब सेम टू सेम अपने चार्ट पे जो मार्किंग्स कर ले। बाकी यहाँ पे जो है अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अब हमारी मार्किंग जो कम्प्लीट होने आई है, यहाँ पे थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि हमें ऊपर के साइड में जो डेटा है यहाँ पे जो हमारे पास मार्क नहीं है उसको हम साइकोलॉजिकल नंबर के बेसिस पे मार्किंग कर दें। बाकी कैंडलस्टिक पैटर्न का जो प्लेलिस्ट हमने आई बटन में जो है ऐड किया, अगर आपने वो नहीं देखा तो जरूर आप उसको देख ले। छोटे छोटे यहाँ पे वीडियोस है कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हमने बताया, तो जरूर उसको आप देख ले। बाकी यहाँ पे मैं जूम करके बात करता हूँ इसके क्लोजिंग की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोजिंग हमारी हुई है 14 पे, डायरेक्ट से यहाँ पे सपोर्ट आता है 13.65 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 14.15 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का वीडियो ऐड किया, उसको आप जरूर देख ले, वहाँ पे मैंने आपको हर एक चीज समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट आपको दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूँ। तो डायरेक्ट सपोर्ट का अगला सपोर्ट आता है 13.25 का, उसके बाद क्या है 12.50 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 14.65 का, उसके बाद क्या है 15 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो अपना यहाँ पे मंडे के दिन का ट्रेड ले।
अब रही बात मेरे ओपिनियन की, स्टॉक में फ्राइडे की क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए कहूँ, मेरा ओपन स्टॉक में जरूर एक नेगेटिव क्लोजिंग का है। यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हमें देखने में सिर्फ स्टॉक जो नो ट्रेडिंग एरिया के रेंज में यानी 13.65 से लेके 14.50 के रेंज में हमारी क्लोजिंग एक्सपेक्टेशन, ओवरऑल नेगेटिव क्लोजिंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मंडे के दिन। आपको क्या लगता है मंडे के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।